अब हम नेक्स्ट करेक्टर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन मैंने अभी जस्ट बताया कि अपने जैसा यानी कि सिमिलर काइंड का अगर रिप्रोडक्शन करने के दौरान एक सिमिलर काइंड का नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हम अगर इंग्लिश में बात करें, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सिमिलर काइंड विच इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, अभी हमने जस्ट बताया कि ये होते हैं आपके टू टाइप्स के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि केवल या तो फिर मेल हो या फिर क्या हो आपका कोई फीमेल पार्टिकल्स हो, उससे एक नया ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाए, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, उस प्रोसेस को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट इन कंडीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मेल एंड फीमेल सेम स्पीसीज की अगर हो तब उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो और वो रिप्रोड्यूस होकर के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हम अगर बात करें यहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करता, यानी कि एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम म्यूल्स की बात करें, कोवर्कर आपके जो वर्कर बीज होते हैं उनकी बात करें, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की बात करें, तो इनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरीके से इस तरह से हम कहें कि रिप्रोडक्शन डू नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स में। अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूज की बात करें और कोवर्कर्स की बात करें और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम बात करें, अगर हाइनी की बात करें और आपके लाइगर की बात करें, तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्शंस को शो नहीं करते, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूल्स की बात करते हैं, तो म्यूल जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको लैब कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये बायोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे होता है, इसको बायोलॉजिकल कंडीशंस देते हैं, देन आपका म्यूल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या होता है, हॉर्स होता है और उसको हम लोग डंकी से उसका रिप्रोडक्शन करवाते हैं। जो हॉर्स होता है वो आपका मेल होता है और डंकी जो होता है वो फीमेल होता है। तो फीमेल डंकी और मेल हॉर्स से जो रिप्रोड्यूस होता है वो आपका क्या होता है, म्यूल्स होता है। अब हम बात करें कि जो म्यूल प्रोड्यूस होता है वो रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनफर्टाइल होता है, इसलिए आपका म्यूल्स जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, हॉर्स और डंकी से कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो इनमें हॉर्स जो है इनका स्पीसीज अलग होता है और ये डंकी का स्पीसीज अलग होता है, यानी कि हॉर्स अलग स्पीसीज के, डंकी अलग स्पीसीज के। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेम, रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है सेम स्पीसीज अगर एक साथ मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे स्पीसीज जो होता है, एक डंकी है और एक डंकी है एक हॉर्स का, दोनों का स्पीसीज अलग अलग है, इसलिए जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेम है, जो आपका प्रोजनी पैदा होगा वो म्यूल होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनके क्रोमोजोम नंबर की अगर हम बात करें, तो इनका जो क्रोमोजोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है डिफरेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होने के नाते इनमें एक प्रोसेस नहीं हो पाता है, मियोसिस नहीं होगा, और जब मियोसिस नहीं होगा तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो म्यूल हैं इनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी और ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अगर पूछे कि हॉर्स और डंकी से जब रिप्रोडक्शन होता है तो म्यूल पैदा होता है, ये म्यूल क्यों पैदा हो जाता है, क्यों ना इसमें सेक्सुअल करने की कैपेबिलिटी होता है, इसलिए नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे मियोसिस डू नॉट अकर इन म्यूल्स। तो मियोसिस यहाँ पे नहीं होता है, रिप्रोडक्शन का मेन करेक्टर होता है कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तभी नया ऑर्गेनिज्म यानी कि अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन हुआ। तो ये कुछ आपके कुछ यहाँ के करेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है, अगर हम बात करें कॉन्सियसनेस की बात करते हैं, तो कॉन्सियसनेस में आपका नेक्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स का है ये, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्सियसनेस, बंद करा करते हैं कॉन्सियसनेस के बारे में। कॉन्सियसनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कॉन्सियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स होता है,
यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है जो रिस्पॉन्ड करता है किसी भी आपके स्टिमुलस से। तो यहाँ पे कॉन्सियसनेस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टिमुलस होता है तो स्टिमुलस है अगर कोई तो वो क्या करता है कि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी या हमारा कोई भी ऑर्गन वो क्या करता है रिस्पॉन्ड करता है, तो वो आपका लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिकल जो आपका स्टिमुलाई होता है वो स्टिमुलाई किस तरीके का हो सकता है, पहला आपका फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और आपका क्या हो सकता है बायोलॉजिकल। तीनों तरीके का आपका स्टिमुलाई हो सकता है। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल की बात लें, जैसे हम कहते हैं कि हीट अगर है, मान लीजिए आप गर्म पानी गर्म किए हुए हो और आपका हाथ जो है भूल से उस गर्म जो आपका बर्तन है उस पे लग जाता है, तो जैसे ही उस पे लगता है तो आपका हाथ जो है वो तुरंत क्या कर जाता है, वो खिंच जाता है। तो जैसे ही हाथ खिंचता है तो वो आपका क्या करता है, जैसे ही स्टिमुलस आपके हाथ से लगता है वो क्या करेगा, आपके ब्रेन को न्यूरॉन्स जो है मैसेज देता है और आप तुरंत क्या कर लेते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये आपके माइंड यानी कि कॉन्सियस होता है, जो लिविंग बींग्स होता है वो बहुत कॉन्सियस होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे आपके फोन बजता है, जैसे ही फोन बजता है तो आप क्या करते हैं, आप दौड़ के फोन को उठा लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं जब कहूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए तो आप तुरंत पेन कॉपी लेते हैं और तुरंत उसको नोट कर लेते हैं। तो ये चीज होता है कि इसी को हम लोग कॉन्सियस बोलते हैं। कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स अगर है, लिविंग थिंग्स है, तो उसमें क्या है एक मेन प्रॉपर्टी होती है उसकी जो कॉन्सियसनेस की होती है। देन यो आपका फिजिकल की बात करा, मैंने कहा टेम्परेचर है, कोल्ड है, ये सारी चीजें हैं तो आपको ठंड लगेगी। जैसे ठंड लगेगी तो आप क्या कर लेते हो, स्वेटर पहन लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे पोलर बियर्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और हाइबरनेशन में जब जाते हैं तो ये एडाप्टेशन उनका, जैसे ही वो एडाप्टेशन आएगा तो वह हाइबरनेशन से निकल करके फिर आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं कि ठंडियों के समय में यानी कि आप जब बहुत ही ज़्यादा कूल होता है इन्वायरमेंट, तो वो क्या करते हैं कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जैसे ही उनका सुटेबल कंडीशन आता है तो वो फिर क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट में आकर के अडाप्ट करते हैं। देन आपका केमिकल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक नई चीज के बारे में, एक प्लांट है जिसको माइमोसा प्यूडिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका तो ये जो आपका है इसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं। जो छुई मुई का ये प्लांट होता है, जिसके जैसे ही इसकी लीव्स, ऐसे बहुत सारी लीव्स इसमें निकली हुई होती हैं, तो लीव्स को जैसे हम टच करते हैं, इसको हम लोग टच मी नॉट के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती है वो क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है। देन यानी कि इसमें जैसे ही कोई स्टिमुलस इस पे लगता है और वो क्या करता है कि वो तुरंत ही अपने स्ट्रक्चर को कंडेंस कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी यानी कि प्लांट में भी कॉन्सियसनेस होता है। अगर हम बात करें हीट लग जाता है, जैसे अगर हम कोई प्लांट की बात करें, जैसे सूरजमुखी की बात करें, अगर सनफ्लावर की हम लोग बात करते हैं, तो सनफ्लावर में देखते हैं कि जैसे जैसे ही सन मूव करता रहता है उसी तरीके से वो फ्लावर्स क्या करते हैं, उसकी तरफ मूव करते रहते हैं। तो ये आपका मेन प्रॉपर्टी यानी कि मेन फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स में आता है कॉन्सियसनेस। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।